फोन ले आएगी। सिप नहीं करो मिठा, सिप नहीं करते मिनी जान, ऐसे नहीं करते मम्मा को तंग, ठीक है? नहीं अभी नहीं, आप खेल सकते। मेरा प्यार रहे। अब आप दोनों एक दूसरे से छेड़खानी करोगे। दोनों की नाराजगी खत्म। बाबा आप मम्मी से सॉरी करें। मम्मी से सॉरी करें। आई एम सॉरी सनाया। अब मामा आप हमारे साथ ट्रेनिंग ही ना। बेटा आपको पता है ना मेरी नानों की डेथ हुई है। और इस वक्त मामू को, अनाया को, भाभी को मेरी बहुत जरूरत है। आप चले जाओ बाबा के साथ, मामा बाद में आ जाएंगे। मगर मैं आपके बगैर कैसे आऊंगा? और हाँ, बाबा ने आपसे सॉरी कर लिया है। मामा आप चले ना। मैं चलूंगी बाद में, अभी नहीं, ठीक है? मामा प्लीज चले ना। चलेंगे, जाओ आप दोनों, चलो चलो चलो, शाबाश चलो। बच्चे यार हम इनकी बातों को सीरियसली मत लीजिएगा। और ये हरगिज मत सोचिएगा कि मैं आपके साथ चलूंगी। अंदाजा है मुझे तुम्हारी तकलीफ हो। जानता हूँ तुम्हें क्या बर्दाश्त करना पड़ा है। किस रहा है तुम उसे भी तो जानती हो, जज्बाती हूँ मैं हमेशा से। फैसला कर लेता हूँ गलत या सही, लेकिन अंदाजा नहीं होता। बहुत देर बाद पता चलता है कि गलत। सॉरी सर, आया मेरी वजह से। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए अरहम। और माफी वहां से मांगी जाती है जहां से मिलने की उम्मीद हो। आज के बाद इस दहली से किसी भी किस्म की कोई उम्मीद मत रखिएगा। मैं नहीं चाहती कि आप मेरी नफरत की आग में हमेशा जलते रहे। सर तो हमेशा कहती थी कि इंसान को अगर उसकी गलती का एहसास हो जाए तो गलती गलती नहीं रहती। गलती और गुनाह में फर्क होता है। अपनी दूसरी शादी की आपकी गलती थी, लेकिन आपने मेरा दिल तोड़ा, वो गुनाह है जिसके लिए मैं आपको सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगी। Thank you.
अस्सलामुअलैकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? अरे भाई एक काम करो ना, और हमसे कहो कि तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट और कुछ जूसेस लेके आए, ऐसी हालत में तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तबीहा, अरे सुन रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? जी अम्मी सुन रही हूँ। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, सब खैरियत है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा बताओ मैंने क्या कहा है तुम्हें? क्या बात है, परेशान हो? अम्मी अरहम तब से सनाया के पास है, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मेरा बेचैनी से इतना बुरा हाल है, माँ क्या मर गई, उसे तो मौका मिल गया अरहम के साथ वक्त गुजारने का, तब से उसी के पास है। अरे तुम्हारी सोच इतनी मनफी कब से हो गई है? सनाया भी उसकी बीवी है, उसका भी कोई हक बनता है अरहम पर। कोई फर्ज बाकी नहीं रहा अम्मा, तलाक दे चुके हैं वो उसको, बस एक बची है वो भी हो जाएगी। क्या? इसी बात का तो खौफ है अम्मा, रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाता तो मुझे भी इत्मीनान रहता। अगर वो सच में वापस आएगी तो मेरे लिए तो बहुत मसला है। अब मैं क्या कहूँ तुम्हें बेटा? हेलो हेलो, क्या मुसीबत है भाई? क्या हुआ, सब ठीक? जी बस आपका ही वेट कर रही थी। क्या हुआ, आर यू ओके? बैठो बैठो, पानी पियोगे? आधी जाओ बेटा पानी लेकर। चक्कर महसूस हो रहे थे। एक सेकंड, बस पानी पी लो। लाओ आधी पानी लाओ बेटा, पानी पिया। बेहतर हुआ? मैं ठीक। श्योर? वरना डॉक्टर पे चलते हैं। नहीं नहीं मैं ठीक। फोन पे किससे बात कर रही थी? अम्मी से बात कर रही थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी और घर पे कोई नहीं था तो सोचा उन्हें कॉल कर लो, आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। चलो आओ कमरे में चलो, आओ आदि।